एकता मैडम हमारे टेंट में गृह प्रवेश करती हुई कितना है अभी हमारा डिस्टेंस नहीं दिख रहा है इसमें तो हम अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यस और यहाँ पे एक मेडो पॉइंट मेडो व्यू पॉइंट भी है ये रहा। लोग यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं दिस इज़ नॉट अ लामाडुक अभी यहाँ से 20-30% और है तो हमें एक घंटा और लगेगा बट लोग यहाँ पर भी कैंपिंग कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सीनिक साइट एंड हम अभी इन सुंदर नज़ारों के साथ और मौसम काफ़ी अच्छा है क्लियर हो चुका है थोड़ा सा बादल थे बट वो बादल छट चुके हैं और अभी हम यहाँ से जाएंगे इस रॉकी रास्ते से तो यहाँ पे कुछ वाटर सोर्स भी दिख रहा है रिफिल माय बॉटल वाटर बॉटल एंड देन विल गो थोड़ी सी सोचने समझने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि हम इस जगह पर हमारे कैंप्स पिच करेंगे टेंट्स यहाँ लगाएंगे हम दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू कैंप टू नाइट एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी राइट देयर बट वी हैव अमेजिंग व्यू गाइस चलो काम में लगना यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं फॉर सम बॉनफायर एंड हमारे खाना बनाने के लिए यार इतने सारे लोग टेंट्स पिच कर रहे हैं किसी ना किसी के पास तो होगा कुछ आलू वालू ले आएंगे मांग के थोड़ा दोस्ती यारी निभाओ तुम लोग जाओ टेंट लग चुका है एकता मैडम हमारे टेंट में गृह प्रवेश करती हुई और रिजल एंड अमन का टेंट जो है वो यहाँ है उन्हें कुछ अलग ही अच्छा स्पॉट मिल गया तो उन्होंने उधर लगा लिया यहाँ पर लैंड जो है वो प्लेन नहीं थी एंड या दैट्स व्हाई दे डिड लाइक उनका कैंप वहाँ है और ये है नज़ारे यहाँ पर बहुत लोग कैंपिंग कर रहे हैं लाइक देयर इज़ अ वन कैंप साइट इधर पे कुछ लोग कर रहे हैं उधर पे कुछ लोग कर रहे हैं पीछे भी कुछ लोग कर रहे थे तो या There are a lot of people, but yes,
Here's a chotu sa pyara sa orangey tent. So, हमने हमारे कैंप्स पिच कर लिए हैं. अभी हमने थोड़ा बहुत ऐसे स्नैक्स खा लिया है क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रॉपर सॉलिड मील लेकर नहीं आए हैं क्योंकि हमारे पास यूटेंसिल्स और ये सब नहीं था. तो हम यहाँ पर नॉर्मल मैगी बना लेंगे रात को, और उसके लिए बस हमें थोड़ी सी आग जला के पानी गर्म करना होगा. दैट्स इट. सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुनाइट. और या अभी रात अंधेरा हो जाएगा तब तो फिर मैं कुछ व्लॉग भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि या वी हैव ओनली टॉर्च जिसके सहारे हम टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर. इट्स वेरी पीसफुल, वेरी नाइस. आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है. टेम्परेचर तो अब ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि शाम हो गई, सनसेट हो चुका है और आज थोड़ा क्लाउडी भी वेदर है. तो और थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रात को ज़्यादा ठंड हो सकती है. बाय द वे दिस प्लेस इज़ सरियल, वेरी नाइस फॉर कैंपिंग. लाइक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु इज़ ऑलरेडी कैंपिंग हियर. कई लोग तो दो दो दिन से कैंपिंग कर रहे हैं. तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस क्योंकि यहाँ पर वाटर सोर्स भी है, पेड़ इतने सारे हैं कि आप उनके शेड पे अपना कैंप लगा सकते हो सो दैट की धूप भी नहीं लगती है. एंड या वी आर हियर फॉर वन नाइट ओनली. हम आज की रात रुकेंगे, कल सुबह वापस चले जाएंगे. बट अपने खुद से करना सब कुछ प्लान और सारी चीज़ें, इट्स सो मच फन. बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी एक जगह पर आकर मैं जस्ट यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मेरे सामने बहुत ही सुंदर व्यू है. मैं अभी कैमरा टर्न करती हूँ और आपको ये नज़ारे दिखाती हूँ. लाइक मैं चाहती हूँ कि आप अभी जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो आप जब ये वीडियो देखो तो आप भी वही चीज़ फ़ील करो. My Maggie is ready. 3/4 done. थोड़ा सा और, थोड़ा सा. यहाँ पे ना ये इतना अच्छा लग रहा है. यार प्लीज आराम से रखना है. हाँ. अभी हमारा लास्ट कप बिल्कुल ही गिव अप हो जाएगा. पकड़ा है मैंने. पर आज हाथ जा रहा है जो कि लास्ट मैगी बनेगी, नूडल बनेगी. I'm enjoying my meal. अरे यार मैं बीच में बोल दी मैं. और आफ्टर कप ऑफ नूडल्स वी हैव मैगी, इंस्टेंट मैगी मेड बाय अमन. और आग तो बहुत ही शानदार जल रही है हमारी. हाय हाय हाय. और यहाँ पर है हमारे मिस्टर रिजुल. वी आर प्लेइंग लूडो इनसाइड आवर टेंट एंड लुक एट द गेम. मतलब तीन लोग, आई एम द विनर, बाकी तीन लोग अटके पड़े हुए एक एक पे. नाउ लेट्स सी कौन जीता है. चलो किसकी टर्न है. ओह नो, कम ऑन अमन. No. भाई गए, खत्म. One. भाई भाई, अब एक आ ही गया. One. Shit. मेरा एक है. Oh shit. One. चलो थर्ड और फोर्थ. Thank God is it. अब लास्ट आया यार, सीरियस. अमन तो जीत रहा था. The next morning. In the morning I woke up around 6 and then I came out
आई केम टू दिस लाइक हमारे कैंप से पास एक जगह यहाँ पर आकर मैं बैठी हूँ. इट्स सो चिल राइट नाउ. और सुबह सुबह की जो शांति है यहाँ पर, इट्स समथिंग एल्स. मैं एकदम खो गई थी. ये सामने पीक्स जो हैं वो इतने सुंदर दिख रहे हैं कि मैं उनमें एकदम खो गई. मुझे पता ही नहीं चला टाइम का. दो लोग और अभी सो रहे हैं, एकता सो रही है और जो दूसरे टेंट में बंदा है वो भी सो रहा है, रिजुल भी. अमन और मैं उठ चुके हैं. अमन कहीं ऊपर कहीं जाकर बैठा हुआ है. मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और सामने से ये नज़ारे इन्हें सोक इन करते हैं. और बस फिर रैप अप वगैरह करके यहाँ से निकलेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी. हमारा फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था तो हमने ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किया था, कितना कुछ लेके चलना भी था. और वी थॉट कि हो जाएगा पूरा, बट हमने सब कुछ जो भी लेकर आए थे सब कल रात तक ख़त्म कर दिया, खा लिया सब कुछ. तो वी डोंट हैव एनीथिंग. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड वी ऑल आर रेडी टू गो बैक. और देखो एवरीबॉडी इज रेडी एंड वी आर इन द मिडल ऑफ क्लाउड्स. एक्चुअली ये पूरा नज़ारा ही बदल गया क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड रेनिंग हियर. और अभी थोड़ी सी कम हुई है तो हमने सोच रहे हैं कि बस अब पैक वैक कर लिया है सब कुछ. ये हमारा ट्रैश है जो कि दो दिन का, मतलब एक दिन का इकट्ठा हुआ है, वो साथ में लेके अब हम चल रहे हैं. लेट्स गो गाइज, चलो. एंड बाय बाय टू लामा डुग. सीधे उतरोगे तो बहुत फिसलोगे. नहीं, साइडवेज ही उतरो यार. हिमानी इतना तेज मत भागो. How's the trek? Like, what do you want to say? यार, it's not moderate. It's actually थोड़ा सा difficult है moderate से. And if you are really up for, you know, some real trekking, to then you should come. And the view is absolutely worth it. Amazing plants है, amazing trees हैं जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे. It's amazing. You must come. And पीछे ये जो लोग हैं वो भी कुछ बोलना चाहते हैं. कुछ बोलो. About the trek. Trek was good. Better than what I expected. Yeah. Because it's very underrated. Meadows hai, wild flowers hai, horses hai, free horses. Yes, free horses. Free horses. Oh my god, aisa view to maine aaj tak life mein nahi dekha. Right. Achha experience tha. Yes, crazy. And abhi hum wapas ja rahe hain aur raaste mein kya crazy view ho raha hai. Chalo. Aur ye do dog hame company de rahe hain. They'll come along with us till Manali. I hope so. लेट्स गो. ये लकड़ी पकड़ रखी मैंने और उन्हें रास्ता बता ऐसे करने के लिए, डांट लगाने के लिए. ओ माय गॉड, लुक एट दिस क्रेजी थिंग वी आर डूइंग गाइस. एक्चुअली में हुआ ये है कि बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है और बारिश तेज़ हो गई है तो हम लोगों को यहाँ पर एक स्टोन है जिसके शेल्टर पे मैं बैठी हुई हूँ. सब लोगों ने ऐसे अलग अलग स्टोन देख के सब वहाँ अलग अलग बैठे हुए हैं. एंड या क्योंकि बैग में कैमरा है और माइक है, मेरा सब कुछ गैजेट्स है तो उसको भीगने नहीं दे सकते. और हमने तो ये विंडशीटर और ये सब पहना हुआ है तो रेन जैकेट है सो इसलिए टेंशन नहीं है. एंड ऑल्सो दिस कैप इज़ वाटर प्रूफ. पर पंगा ये हो गया है कि हमने एक गलत ट्रेल पकड़ लिया था जिसकी वजह से हम जिस रास्ते से आए थे हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं. हमने कुछ और ही रास्ता पकड़ लिया और हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं. वो रास्ता हमें कहाँ लेकर जाता है हमें भी नहीं पता है. सो आई अपडेट यू गाइस. बट जंगल में काफ़ी मंगल हो रहा है. एज आई कैन से ओनली दिस लाइक या. और हमें फाइनली मिल चुका है रास्ता. हमें रिवर दिखने लग गई है यहाँ से और धूप भी आ चुकी है, मौसम भी खुल गया है. सो एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ. एंड लकीली हम इस रास्ते से बाहर आए हैं. दिस इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली और यहाँ पर लोग जस्ट फॉरेस्ट वॉक के लिए और ऐसे जाते हैं. पर हम इस रास्ते से वापस आए. लामाडुक हम गए हडिम्बा वाले रास्ते से, रिटर्न हम इस रास्ते से आए. एंड यहाँ पर मनाली का, ओल्ड मनाली का व्यू दिख रहा है. एंड दिस इज़ द वे हम वापस जाएंगे. ओके, हम चल के आए हैं लामाडुक वाया नहीं है पता, बट हम लामाडुक से आए. हम ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चल के ऑफ बीट ट्रेल.
से आएंगे तो 14 किलोमीटर भी हो सकता है, हमारा लंबा ही हो गया। रॉबर्ट्स की रोड आ गई। चलो 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 चलो, ये वी हैव रीच, हैप्पी फेसेस, ओह माय गॉड, अरे भाई इट वाज क्रेजी।